मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए भाजपा पर जोरदार हमला बोला है और सरकार के 18 साल के शासन को महज अंग्रेजी के 5B में समेट दिया है। कमलनाथ ने कहा, जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। भाजपा ने सिर्फ बुराई, बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी और बर्बादी दी है। मध्य प्रदेश का चुनाव होने में भले ही अभी 6 महीने का समय बाकी हो, लेकिन कोई किसी पर हमला करने से नहीं चूक रहा। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके भाजपा के 18 साल के शासन को अंग्रेजी के बी अक्षर से परिभाषित किया और भाजपा सरकार पर प्रदेश में जनता को सिर्फ बुराई, बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी और बर्बादी देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता कुशासन से त्रस्त है, अब कांग्रेस ही लेकर आएगी खुशहाली। अब देखना होगा कि बीजेपी कमलनाथ के इस ट्वीट को अंग्रेजी के किस अक्षर से जवाब देते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेन सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।